फिर संघर्ष नियम। देखिए आज रात समर सिंह को गाजियाबाद से पुलिस लेकर के हमारी आई है और आज चूंकि सेकंड सैटरडे है और अवकाश का दिन होने के लिए कोर्ट बंद है और रिमांड मजिस्ट्रेट शाम को बैठते हैं, तो जब वो बैठ जाएंगे तो उनके समक्ष पेश किया जाएगा। देखिए रिमांड जो है वो जो रिमांड मजिस्ट्रेट है वो नहीं देते हैं, इसके लिए रेगुलर कोर्ट में जाना होगा। जब अदालत खुलेगी तो हम अपने ग्राउंड्स के आधार पर उसको पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेने का प्रयास करेंगे ताकि जो तथ्य हैं उनकी पुष्टि की जा सके, साक्ष्य को और मजबूती के साथ इकट्ठा किया जा सके। देखिए पुलिस अपना काम कर रही है और चूंकि जो विवेचना की चीज़ें हैं उसको सार्वजनिक प्लेटफार्म पर व्यक्त करना संभव नहीं है, लेकिन जितना भी समय हमारे पास उपलब्ध है और वो पूछताछ की जा रही है, यद्यपि वो अभी न्यायिक अभिरक्षा में है क्योंकि ट्रांजिट रिमांड पर आया है, तो इसलिए उसे न तो मीडिया के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है न ही उससे की गई किसी बातचीत को हम सार्वजनिक कर सकते हैं। अब देखिए कौन क्या कह रहा है वो हमारे लिए बहुत उल्लेखनीय नहीं है, हमारे लिए महत्वपूर्ण यह है कि जो अभियोग दर्ज हुआ है उसमें मजबूती के साथ सार्थक साक्ष्य संकलित किए जाएं और कानून अपना काम। एक टफ जॉब था और चूंकि अभियुक्त को पहले से पता था, मीडिया में इतना ज़्यादा एक तरह का मीडिया ट्रायल होने लगा था कि अभियुक्त के लिए पर्याप्त अवसर था कि वो अपने को छुपा सके और इसीलिए हमको लगभग 10-12 दिन का समय उसकी गिरफ्तारी में लगा। लगातार हमारी कई टीमें प्रयास करती रहीं प्रदेश में, प्रदेश के बाहर भी, और अंततः उसकी गिरफ्तारी गाजियाबाद से की। हाँ फिलहाल तो मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा, यद्यपि हम रिमांड के लिए वहाँ भी प्रयास करेंगे लेकिन रिमांड रेगुलर मजिस्ट्रेट ही देते हैं।